तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा 07 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में जो सॉम्पिंग होता है वो बोलने लगता है, अच्छा बताओ इस लड़की ने कितने रुपए लिए हैं। अब जो ये गुंडा होता है जिसके मुंह पे बिच्छू बनी हुई है, वो लड़का बोलने लगता है, गुंडा बोलने लगता है कि अरे कौन है बंदा तू, ऐसा पूछ रहा होता है। अब सॉम्पिंग बोलने लगता है कि मैं इस लड़की का फ्रेंड हूँ। अब वो ऐसा बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो गुंडा है वो पूछने लगता है, अच्छा फ्रेंड इस लड़की ने ना मेरे से 5,000 रुपये उधार लिए थे, अब तू फ्रेंड है तो तू देगा। अब वो ऐसा बोलने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो लड़की है वो बोलने लगती है, हेलो सर देखो आप ना स्ट्रेंजर हो तो आप इस मैटर से दूर रहो, ये मेरा बिजनेस है तो आप परेशान मत हो। अब वो उस गुंडे से बोलने लगती है कि ब्रदर हूँ देखो मैं आपको पैसे जल्दी लौटा दूंगी, बस आप मुझे 2 दिन की मोहलत और दो। अभी ऐसा बोलने लगती है। अब ये गुंडा बोलने लगता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अब वो कहने लगती है ठीक है बताओ मेरे को क्या कंडीशन है। अब लड़की ऐसा बोलने लगती है, वो बोलने लगता है कि बस कुछ नहीं करना, तुम्हें स्पेंड करना है एक रात मेरे साथ। अब वो ऐसा बोलने लगता है, 1-2 दिन क्या, मैं तो तुम्हें 4 दिन दे दूंगा। अब जो इसके बॉडीगार्ड है वो भी हंसने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है इतने जो है सॉम्पिंग आता है वो उसके हाथ से मतलब धक्का देता है, मतलब हाथ से स्मैक्स मारता है। अब उसके पास में आके खड़ा हो जाता है। अब जो है उसके कंधे पे हाथ भी रख लेता है। अब हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल इसके पास आ चुका होता है। अब ये टकला बोल रहा होता है कि ए क्या तू मरना चाहता है, ये गुंडा ऐसा बोल रहा है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है सॉम्पिंग कहने लगता है ठीक है अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब ये सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जो इसके अकाउंट में 5,000 रुपये आ चुके होते हैं। अब ये गुंडा बेचारा कुछ कह नहीं पाता और बस इसकी शक्ल देख रहा होता है। फिलहाल जो ये सॉम्पिंग है वो जाने लगता है, कह रहा था चलो फिर अब हमने पे कर दिया अब जा सकते हैं। फिलहाल जो एक गुंडा होता है ये बोलने लगता है कि ए रुको जरा 1 मिनट। अब सॉम्पिंग कहने लगता है कि अरे मैंने तुम्हें पेमेंट कर तो दी है, अब तुम क्या चाहते हो। अब ये ऐसा सॉम्पिंग कह रहा होता है। अब ये कहने लगता है कि हाँ तूने पेमेंट कर तो दी है लेकिन उसके बदले में तूने मेरे हाथ में जो मारा है और ये दुख रहा है तो इसके बदले में भी तो कुछ होगा ना। अभी ऐसा बोल के ना इसके मुंह पे एक स्मैश देके मारता है, यानी कि मुक्का। भाई साहब अपना सॉम्पिंग कुछ कर नहीं पाता, ढीला ढाला सा है मेरी तरह। खैर कोई बात नहीं, होता है। फिलहाल ये तीनों जा चुके हैं। अब ये बेचारा पड़ा हुआ है। अभी लड़की कह रही होती है अरे आप ठीक हो। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की रहती है। अब वहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे उसकी आँख खुलती है ना वो देखता है, खैर क्या ही बोलूँ मैं, कुछ और ही देख रहा होता है। फिलहाल वो लड़की जो है इसके मुँह पे मतलब पट्टी वगैरह गर्म पट्टी रख रही होती है, हालांकि मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। फिलहाल वो लड़की बोल रही होती है अरे वाह आप फाइनली जग गए। अब वो ऐसा कह रही होती है। अब ये लड़का बोलने लगता है, सॉम्पिंग कह रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है। अब ये लड़की बोलने लगती है कि ये मेरा घर है, ऐसा ही लड़की बोल रही होती है। अब वो कुछ कह नहीं पाता बेचारा, उठ के थोड़ा बैठता है। अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों आपस में मतलब बैठ बैठे ही होते हैं। अब ये जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है अरे मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रहा हूँ। अब वो ऐसा मतलब इससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो बोलने लगती है कि तुम ना बेहोश हो गए थे इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई, और तुम हिलो डुलो मत ठीक है, मैं तुम्हारे पट्टी लगा देती हूँ, मतलब गर्म सेक देती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है वो है इसकी पट्टी कर रही होती है। अब भाई साहब ये तो बिल्कुल शर्मा रहा होता है और इसकी सांसें फूल रही होती हैं। वो कह रहा है ओ वाओ। अब हमें दिखाया जाता है वो जा रही होती है और कह रही होती है देखो जाना मत, यहीं पे रहना और रेस्ट करो आराम से, मैं मेरे को अभी बहुत सारे काम करने हैं, मतलब मेरा वर्क है ठीक है, तो तुम इसी घर में रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ऐसा बोल के मतलब जाने लगती है। वो बोलने लगता है कि सॉम्पिंग की यार मेरा यहाँ पे रहना क्या ठीक रहेगा, क्या मैं यहाँ पे आराम कर सकता हूँ। अब वो उससे ऐसा पूछ रहा होता है। वो लड़की बोलने लगती है कि चिंता मत करो मैं ना अकेली रहती हूँ तो तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है ठीक है, अब तुम रेस्ट करो ठीक है, और तुम रेस्ट करते रहना ठीक है, दो मिलते हैं बाय बाय। अब वो ऐसा बोल के जाने लगती है। अब बेचारा सॉम्पिंग उठ के देखता है वो तो जा चुकी है, खैर ये फ़ोन में लगा पड़ा होता है और वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, वैसे ही दुख रहा है बहुत ज़्यादा, अब अपनी चोट को देख रहा होता है। इतने में दिखाया था जो इसका सिस्टम है ना वो आ चुका होता है और वो बोलने लगता है कि देखा मास्टर मैंने आपसे तो पहले बोला था कि आप पैसे मतलब कैश आउट मत कराओ, आपको अपने एट्रीब्यूट जो है एनहांस करने चाहिए। अब ये पूछने लगता है क्या एट्रीब्यूट एनहांस, क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अब वो ऐसा पूछने लगता है। अब जो है सिस्टम बताने लगता है कि देखो जो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है ना, मतलब ह्यूमन बींग जो कि जो यूज़ करते हैं जैसे पावर एबिलिटी इंटेलिजेंट चार्म वगैरह वगैरह, और वो बोलने लगती है कि यहाँ पे ना बहुत सारे पिल्स मिलते हैं जिससे तुम ना एट्रीब्यूट जो है एनहांस कर सकते हो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पिल्स हैं। अब ये बंदा हैरान कह रहा था अच्छा ऐसा है क्या। अब हमें दिखाया था वो कह रहा था अच्छा यान सैन क्या होता, मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका होगा। अब वो फटाफट अपने टास्क सेंटर में आता है और जो है यान सैन वाला मिशन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। वो बोलने लगता है चलो ठीक है अब मैं जो शॉप से परचेस कर सकता हूँ। फिलहाल हमें पिल्स के बारे में दिखाया जाता है, यहाँ पे कम से कम 5 पिल्स होती है और 1 हब पड़ा होता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है पावर वाले स्ट्रेंथ वाले ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब ये बोलने लगती है कि देखो इस पिल्स की ना कॉस्ट एक 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 वेल्थ पॉइंट है
और ये कम से कम आपके 6 पॉइंट इंक्रीज कर देगा, मतलब 6 पॉइंट एट्रीब्यूट इंक्रीज कर देगा। वो बोलने लगता है 6 पॉइंट बस? अभी उसे बताने लगती है, नहीं नहीं मास्टर, ये बस नहीं है, ये 6 पॉइंट ना कम से कम एक जो ह्यूमन होते हैं उनके उनसे भी ताकतवर होती है। अब वो बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है, फिर मैं पावर वाली पिल लूँगा। अब वो ऐसा सॉम्पिंग बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो पावर वाली जो है पिल से फटाफट क्लिक करता है और उसे परचेस कर लेता है। अब उसके हाथ में अचानक पावर वाली पिल आ चुकी होती है, मुझे नहीं पता कहाँ से, भाई ऐसी ऐसी टेक्निक तो मेरे को भी चाहिए। खैर वो फटाफट जो है पिल है वो खाने लगता है, और खाते ही भाई लिटरली बोल रहा हूँ, इसकी बॉडी जो है कैसे इंक्रीज कैसे हो गई, असंभव असंभव। खैर कोई बात नहीं, वो कहने लगता है, वाह कितना अमेजिंग है, 1 मिनट ये क्या है, क्या मेरे को एक और यूज़ करनी चाहिए, ये क्या है। वो मतलब घास घास से जो हब होती है उस पर क्लिक करता है। अब हमें दिखाया जाता है वो उसकी सब टाइटल पढ़ने लगता है कि जो ये हब है ना ये किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है आराम से। वो बोलने लगता है, क्या इम्प्रेसिव, किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है, वाह। अब जो एक सिस्टम होता है वो भी बोलने लगता है कि हाँ किसी भी बीमारी का इसका इलाज हो सकता है। अब वो सोचने लगता है, यार इसका तो मैं फिर ब्लैक में यूज़ कर सकता हूँ, मतलब किसी को ज़रूरत पड़ेगी या नीड होगी तो मैं इसे बेच सकता हूँ और बहुत अमीर हो सकता हूँ, ऐसा सोच रहा होता है। फिलहाल वो कहने लगता है, ठीक है फिर मैं एक पिल फटाफट इसे भी परचेस कर लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा। अब वो फटाफट इसे परचेस कर लेता है, साइड में जाके मतलब कर रहा होता है या फिर कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है वो फटाफट एक पिल और परचेस कर लेता है, और उसके हाथ में हब वाली पिल भी आ चुकी होती है। उसके पास 3 पॉइंट और बचे हुए हैं। अब वो सोचने लगता है, यार आखिर मैं 3 पॉइंट का क्या करूँ, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो सोचता है कि चलो 1 पॉइंट मतलब एक का तो फिर मैं कैश आउट करा लेता हूँ 1 पॉइंट का। वो फटाफट कैश आउट करा लेता है, और उसके पास जो है इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी होती है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। अब वो कह रहा होता है, वाह ऐसा लग रहा है ऐसे इस दुनिया में तो अमीर मैं ही हूँ, अंबानी मेरे कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल हमें गुंडे का सीन दिखाया जाता है, और ये बोलने लगता है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यान सिंह का जो फ्रेंड है ना वो इतना अमीर निकलेगा। इसका बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि हाँ ब्रदर यू आपने कुछ किया क्यों नहीं, अभी ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल वो कहने लगता है कि अरे कोई बात नहीं, मैंने इस बार नहीं किया ना, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को छीनने की। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें इनका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सॉम्पिंग पड़ा हुआ है या फिर बीमार पड़ा हुआ है। फिलहाल वो लड़की आ चुकी होती है और बोलने लगती है, अरे तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग होता है ना वो झाड़ू लेके इनका इसका घर साफ कर रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो सॉम्पिंग है, वो बोलने लगता है कि यार मैं ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं घर पे ना थोड़ा बोर हो रहा था और अकेला था तो मैंने सोचा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ सफाई वगैरह करके। अब ये लड़की उसके मतलब शकल पे हाथ रख रही होती है, मतलब फेस पे, और बोलने लगती है, क्या ये दुख रहा है तुम्हें, कैसा लग रहा है। अब वो ऐसा पूछ रही होती है, अब वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। अब ये उसे देख के ना मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। वो बोलने लगता है कि अरे अरे नहीं नहीं पेनफुल तो नहीं, मेरे को बहुत बड़ा 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 फील हो रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। अभी पता नहीं क्या अलग ही बोल रहा होता है, ये सॉम्पिंग बोल रहा होता है। फिलहाल इसे देखते ना ये जो लड़की है वो भी शर्माने लगती है और ऐसे नहीं लगती है। खैर वो बोलने लगते हैं कि वैसे थैंक यू तुमने जो आज मेरी सहायता करी, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगी तुम्हें पैसे पेमेंट करने का। अब वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से पे कर सकते हो। वो उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी कितनी सारी जॉब है एक दिन की। अब वो लड़की बोलने लगती है कि यार हाँ मेरी 4 जॉब है कम से कम, मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। अरे मैं तो तुम्हें मतलब ट्रीट देना भी भूल गई, चलो कोई नहीं मेरे साथ आओ। अब वो जो लड़की है ना ट्रीट देने के बारे में मतलब ऐसा बोल रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है इतने इसके गेट पर नॉक नॉक होने लगती है। अब जो एक गुंडा होता है वो वापस से इसके घर पे पहुंच चुका होता है। वो बोलने लगता है कि यानसेन दरवाज़ा ओपन करो, अब वो बोल रहा होता है। अभी एक लड़की जो है घबरा जाती है, वो बोलने लगती है कि अरे ब्रदर हूँ और उसके आदमी क्यों आ गए। अब जो ये सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि ठीक है मैं दरवाज़ा ओपन करता हूँ। अब वो जाने लगता है और बोलने लगता है, अरे तुम लोग फिर से क्यों आ गए, अब क्या चाहिए तुम्हें। अभी ऐसा गुंडे की तरफ देख के बोल रहा होता है। अब ये गुंडा जो बेचारा कुछ कहता नहीं है। अब भाई साहब गुंडे को पता नहीं क्या होता है, वो फटाफट इसे मारने के पीछे पड़ रहा होता है। अब जो ये सॉम्पिंग है ना वो समझ नहीं पाता है, वो बोलने लगता है कि नहीं फिर से तो नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो गुंडा है ना वो बोलने लगता है, क्या कहा तुमने, फिर से बोलना है जरा एक बार। अब भाई साहब वो मतलब मजे मजे में चाटा देखें मतलब मारने की कोशिश कर रहा होता है इसको सॉम्पिंग को। अब हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग होता है ना वो बोलने लगता है, अरे मैं घबरा क्यों रहा हूँ इससे, आराम से काम डाउन, मैंने अभी पिल खाई है भाई, मेरे अंदर ताकत है। अब जो सॉम्पिंग वो अपनी ताकत उससे हाथ पकड़ लेता है और उसकी जो हड्डी है वो तोड़ देता है। अब हमें दिखाया जाता है उसकी हड्डी टूट चुकी होती है, वो चिल्लाने लगता है, कह रहा था दुख रहा है बहुत दर्द हो रहा है छोड़ो मुझे। अब ऐसा जो गुंडा है वो बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो इसके बॉडीगार्ड है ना वो भी बोलने लगता है कि हे मैं हमारे ब्रो को छोड़ छोड़ हमारे ब्रो को। अब हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है सॉम्पिंग कि देखो क्या अब तुम पैसे मांगोगे। अब जो ये गुंडा है वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं मेरे को जाने दो मैं नहीं मांगूंगा। अब जो है सॉम्पिंग उसे छोड़ देता है। अब जो ये बंदा बेचारा जैसे तैसे करके खड़ा होता है और बोलने लगता है अब तो तू मरेगा बेटे, वो ऐसा बोलने लगता है बच्चे तू तो मरेगा, ऐसा बोल के इसके ऊपर फिर से मुक्का मारने की कोशिश कर रहा होता है।
इतने हमें दिखाया जाता है जो सोमपिंगा उसे एक लात दे के मारता है और इसके नाक से खून बहने लगता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो होगा ही इसी बंदे के साथ। फिलहाल जो ये गुंडा है वो नीचे पड़ चुका होता है और अपने बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है, पकड़ो इसे। इतने जो है सोमपिंग जो है बोलने लगता है, चलो चलो भगो यहाँ से, जल्दी निकलो। वो जो है इस लड़की को लेके मतलब भागने लगता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये भागते भागते बहुत दूर आ चुके होते हैं और हाफ रहे होते हैं, मतलब सांसें ले रहे होते हैं। ऑब्वियसली भागने से सांसें फूल जाती हैं। फिलहाल ये दोनों साइड में एक पार्क में आके ना मतलब खड़े हो जाते हैं। अब वो लड़की बोलने लगती है कि अरे थैंक यू, फिर से तुम्हारी थैंक यू, वैसे तुम इतनी जल्दी अचानक इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। वो बोलने लगता है कि अरे पहले ना मतलब मैं पहचान नहीं पाया था कि सरप्राइजली उसने अटैक कर दिया था मेरे को। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल वो जो लड़की है वो बोलने लगती है कि अरे हाँ ठीक है, लेकिन पता है ये इसके पास ना बहुत सारी फोर्स है, तो मैं ना अब आगे से ध्यान रखना पड़ेगा अपना, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, केयरफुली रहना। अब वो ऐसा सोमपिंग से बोलने लगती है। लेकिन जो सोमपिंग वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है लेकिन मैं तो ठीक हूँ, बट उन्हें ना तुम्हारा घर पता है तो वो फिर से आ सकते हैं, अगर तुम्हें अच्छा रहेगा कि तुम कुछ नई जगह ढूंढ लो रहने के लिए। अब ऐसा सोमपिंग से बोल रहा होता है। बट हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की है ना वो बोलने लगती है कि अरे यार मैं अब कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं तो यहाँ का रेंट ही बहुत मुश्किल से भर पा रही थी। अब वो ऐसा बोलने लगती है। अब जो है सोमपिंग इसकी मतलब मजबूरी समझ चुका होता है और इसकी सहायता करने के बारे में सोच रहा होता है। उसका हाथ पकड़ के और कहने लगता है चलो मेरे साथ, इसका हाथ पकड़ के चलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि चलो मेरे साथ आओ। अब उसके साथ मतलब उसे हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। अब ये लड़की पता नहीं क्या हो जाता है इसे और ये खुश हो जाती है, मुझे नहीं पता क्यों। खैर ये लड़की इससे प्यार करने लगी है ऐसा मुझे लगता है, खैर कोई बात नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है हमें इनकी गर्लफ्रेंड का, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का और इस लड़के का दिखाया जाता है। अब जो इसका नया बॉयफ्रेंड है ना वो सोचने लगता है डैम इट, वो मेरी कब की गर्लफ्रेंड बन चुकी है लेकिन मैंने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिलहाल जो ये लड़की है ना साई वो बोलने लगती है वाओ ये प्लेस देखो कितनी एक्सपेंसिव है। अब इसका जो बॉयफ्रेंड है ना नया वाला वो बोलने लगता है कि हाँ ये हाई एंड अपार्टमेंट है, स्कूल के बहुत पास में है, वैसे ये मेरे लिए इतना महंगा नहीं है और मैं तुम्हें ये रेंट पे दे सकता हूँ। अब वो ऐसा बोल के इसे इंप्रेस कर रहा होता है। अब ये जो लड़की है वो बेचारी खुश हो जाती है और वो थैंक यू बोल रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वे जो लड़का है ना उस लड़के को लेके मतलब रूम के अंदर जाने लगता है, सॉरी जो हाउस है या फिर अपार्टमेंट है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है जो सोमपिंग है वो भी इस लड़के को इसी अपार्टमेंट में लेके आ चुका होता है। वो बोलने लगता है कि देखो ये प्लेस काफ़ी अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हें इसे रेंट पे दे दूँ। अब वो बोलने लगती है कि नहीं नहीं वो थोड़ा मना कर रही होती है, वो बोलने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। फिलहाल जो सोमपिंग है वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं कुछ चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ और वैसे भी इन फ्यूचर मुझे ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब उसके ऊपर कंधे पर हाथ रख के बोल रहा होता है। अब जो ये लड़की है वो थोड़ा मना कर रही होती है और हिचकिचा रही होती है। अब जो है सोमपिंग बोलने लगता है देखो तुम्हें ना तुम्हारी सेफ्टी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सेफ्टी की ज़्यादा नीड है, ठीक है तो तुम चिंता मत करो चलो मेरे साथ। अब उसे लेके मतलब चलने लगता है। अब ये लड़की बेचारी कुछ कह नहीं पाती, खैर इसने जो इसकी हेल्प करी है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये दोनों जो है अपार्टमेंट के अंदर आ चुके होते हैं। अब जो है ये दोनों मतलब ये चारों जो है आपस में मिल चुके होते हैं। अब देख के ना बिल्कुल जो है सोमपिंग है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होता है और थोड़ा मतलब स्टन हो चुका होता है। अब जो है इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी इसे देख चुकी होती है। अब ये चारों एक साथ हो चुके होते हैं, खैर कोई कुछ समझ नहीं पाता। अब जो इसकी सायू है ना जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो कह रही होती है सोमपिंग। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है ना जो इसका नया बॉयफ्रेंड होता है वो बोलने लगता है हे एक तो बहुत गरीब है ना तू आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जैसे ये बोलता है ना सोमपिंग को भाई मतलब नहीं गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ी अपनी हाथ जो है मुट्ठी बीच लेता है। फिलहाल वो बंदा बोलने लगता है तुम तो बहुत गरीब हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वैसे भी तुम्हें तो एक फ़ोन के लिए कम से कम 3 महीने की सेविंग करनी पड़ी थी, तो तुम ये तो बिल्कुल मत बोलना कि तुम यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए आए हो या फिर रेंट के लिए आए हो क्योंकि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी उसे ताने मार रहा होता है। फिलहाल जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो बोलने लगती है कि अरे देखो यार जॉन तुम ऐसा मत बोलो, इसे परेशान मत करो। फिलहाल जो ये जॉन होता है ना वो उसको कमर में हाथ डाल लेता है और कह रहा था देखो ये जो लड़की है मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है और तुम्हारे जैसे गरीब के साथ रह के खुश नहीं रह सकती और वैसे भी तुम तो लव जो है रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते you know? अब वो ऐसा बोल के मतलब उसे चढ़ा रहा होता है। फिलहाल उसके कमर में हाथ डाल के इसे दिखा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है ना यांगसिंग वो ऐसा देख के समझ चुकी होती है सारा मामला क्या मामला है। फिलहाल वो उसके कंधे मतलब उसके भी हाथ में हाथ डाल देती है और बोलने लगती है डार्लिंग अरे आपको ये लोग क्या आपके फ्रेंड हैं, अभी ऐसा पूछ रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है जैसे ये बोलती है ना इन दोनों के भाई सॉफ्ट हो चुके होते हैं, वो बोलने लगते हैं क्यों। फिलहाल के लिए यैन सिंह जो है उसके हाथ में हाथ डाल लेती है और बस ऐसे देख रही होती है जैसे ये वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड है। फिलहाल वो जो सायू होती है वो बोलने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, अब ऐसा मतलब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन पूछ रही होती है। फिलहाल यैन सिंह बोलने लगती है कि देखो मैं सोमपिंग की गर्लफ्रेंड हूँ, नाइस टू मीट यू। अब भाई साहब ये ऐसा बोल के ना क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल जो ये बंदा होता है वो बोलने लगता है कि डैम इट इस लड़की को तो देखो जरा कितनी ब्यूटीफुल है, भाई साहब ये तो एक नंबर का चिड़चिड़ा है, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अब जो ये लड़की है ना वो बोलने लगती है कि अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब ये सोमपिंग को बोल रही होती है।
अब हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है वही बोलने लगता है कि हाँ तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेसन अमीर इंसान जो पकड़ लिया तुमने। अब वो ऐसा बोलना होता है। फिलहाल ये दोनों है आपस आपस में मतलब साइड साइड से जाने लगते हैं एक दूसरे को देख के। फिलहाल जो है ये जॉन जो नाम का बंदा था वो इसे देखने लगता है, कह रहा था डैम इट इस लड़की की बॉडी फिगर तो देखो कितनी गुड है यार, एक नंबर का ठरकी इंसान है क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग है ना वो इनके पास आ चुका होता है रिसेप्शनिस्ट पे और बोलने लगता है कि हमें ना एक अपार्टमेंट चाहिए अच्छा खासा। अब हमें दिखाया जाता है जो सायू होती है वो सोचने लगती है आखिर इस बंदे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो ये इस अपार्टमेंट में रहने वाला है। फिलहाल हमें सॉम्पिंग दिखाया जाता है, वो बोलने लगता है कि मेरे को ना बेस्ट से बेस्ट रूम चाहिए। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल जो ये लड़की है जो रिसेप्शनिस्ट है वो चेक कर रही होती है अपने कंप्यूटर में और बोलने लगते हैं कि देखो बेस्ट रूम जो है उसकी कॉस्ट 6,000 रुपये है, क्या आप श्योर हो? अब वो ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल जो सॉम्पिंग है वो बताने लगता है कि ठीक है मैं श्योर हूँ, ठीक है तुम मतलब बता दो हमें दिखा दो। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। अब जो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलने लगती है कि ठीक है फिर मेरे साथ आओ। अब उसे साथ में ले जाके ले जाने लगती है मतलब दिखाने के लिए। अब जो ऐसा है वो जो है वो उसे देख लेती है और बस मतलब सैड हो जाती है। फिलहाल जो जॉन होता है वो बोलने लगता है कि देखो चिंता मत करो हम भी बेस्ट से बेस्ट रूम लेंगे। अब वो ऐसा बोल रहा होता है लेकिन जो ये लड़की है वो थोड़ा सैड हो जा चुकी होती है और बोलने लगती है कि देखो मेरे को यहाँ पर नहीं रहना, वो भागने लगती है। अब जो ये लड़का उसके पीछे भाग रहा होता है, अब भाई हमें दिखाया जाता है चूहा बाघ बिल्ली आई इस टाइप का फीलिंग आ रही है मेरे को, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है इन्हें अपार्टमेंट दिखाने लगती है। अब जो ये लड़की होती है ना यांग सिंह वो कहने लगती है वाओ कितना ब्यूटीफुल है, वैसे ये अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा ही लग रहा है देखने में लग रहा होता है यार। अब वो बोलने लगता है कि ठीक है मतलब थैंक्स अभी के लिए, अब वो ऐसा बोल रहा होता है। अब ये लड़की समझ चुकी होती है और बोलने लगता है कि हाँ मेरे को पता है वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना वो उसे देख के ऐसा लग रहा था। अब जो ये बोलने लगता है कि हाँ हाँ मतलब वो वैसे भी मेरा पास्ट था, अभी ऐसा बोल रहा होता है सॉम्पिंग। फिलहाल ये लड़की बोलने लगती है कि देखो जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना जिस लड़के के साथ में आई है वो लड़का ना मेरे को ठीक नहीं लगता, पता नहीं वो ऐसे देख रहा था ना मेरे को, मुझे पक्का पता है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में खेल रहा है। अब वो ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है जो ये सॉम्पिंग है ना वो बोलने लगता है कि हाँ मैं क्या करूँ उसमें, वैसे भी ये उसकी चॉइस है। अभी ऐसा बोल के ना मतलब थोड़ा दुखी हो चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों जो है बेड पे मतलब बेड कह रहा हूँ सॉरी सोफे पे बैठ चुके होते हैं। अब ये जो लड़की है ना यांग सिंह वो बोलने लगती है कि ठीक है मेरे को ना तुम्हें दिल से शुक्रिया करना चाहिए। अब वो ऐसा बोल के ठीक इसके करीब आ चुकी होती है। अब जो ये सॉम्पिंग बेचारा कुछ समझ नहीं पाता, अब उसे बस अपने करीब ऐसा देख के ना वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो अब तुम लोग क्या सोच रहे हो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? फिलहाल मैं बता दूं तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ठीक है? सॉम्पिंग जो है बिल्कुल मेरे जैसा ही है, वो बिल्कुल सख्त लौंडा है, इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला। फिलहाल वो साइड मूव कर रहा होता है और मतलब उसे मना कर देता है एक टाइप से, ऐसा कह सकते हैं। अब जो ये लड़की है ना ये कहने लगती है अच्छा बच्चू, वो उसके मुंह पे हाथ फेर मतलब हाथ रख लेती है और बोलने लगती है कि क्यों मतलब तुम्हें मेरे से डर लग रहा है क्या कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? अभी ऐसा बोल के ना इसके ठीक करीब आ चुकी होती है। अब इतनी करीब आ से ने इसे देखने के बाद ना ये बेचारा बिल्कुल परेशान हो चुका होता है। अब ये जो लड़की है ना बिल्कुल क्यूट से तो लग रही है, खैर बोल देना चाहिए। फिलहाल ये इसे छेड़ रही होती है और परेशान कर रही होती है। अब जो अपना सॉम्पिंग है ना वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका होता है और इसका मुँह जो है बिल्कुल लाल हो चुका है, मुझे नहीं पता क्यों, खैर अपना तो नहीं होता ना। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी, ऐसा बोल के मतलब हंस रही होती है। अब जो है सॉम्पिंग के मतलब सांसें भी नहीं आ रही है, वो क्या ही बोलूँ मैं, जैसे सांसें निकलते हैं ना उस टाइप का वो हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ भाई। फिलहाल वो बोलने लगती है कि आखिर तुमने इतना महंगा अपार्टमेंट क्यों लिया, मतलब तुम सस्ता भी तो ले सकते थे ना, अभी ऐसा बोलने लगती है सॉम्पिंग से। सॉम्पिंग बोलने लगता है कि ठीक है देखो मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें आके फिर से परेशान करे और झुकने तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता मैं। अब वो बोलने लगती है कि लेकिन यार ये रूम बहुत ज़्यादा महंगा है, अब वो ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल वो एक घोड़े को मतलब देख रही होती है घोड़े पर से ऐसी और ऐसे बोलने लगती है। अब जो सॉम्पिंग बोलने लगता है कि इट्स ओके जस्ट टेक इट एज अ गिफ्ट, ठीक है तुम मेरी तरफ से ऐसा गिफ्ट ले लो, वैसे तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो ये लड़की बेचारी कुछ समझ नहीं पाती और बोलने लगती है कि ठीक है थैंक यू, अब वो ऐसा बोल के थैंक यू बोलने लगती है और बोलने लगती है कि ठीक है मैं ना तुम्हें आगे से एक मील ट्रीट करूँगी, अब वो ऐसा बोल रही होती है कि मैं आगे से तुम्हें ट्रीट दूँगी। अब वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है आज ना आज रात को ना मेरी क्लास है तो मैं जा रहा हूँ और मैं ना तुम्हें वीकेंड पे मिलूँगा, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जो लड़की है वो बोलने लगती है कि ठीक है फिर वीकेंड पे मिलेंगे, ऐसा बोल के वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग अपना बैलेंस चेक कर रहा होता है और देख रहा होता है कि इसके 20,000 रुपये पड़े होते हैं अकाउंट में और वो फटाफट अपनी जितनी सारी कैलकुलेशन है वो सब कर रहा होता है कि मेरे यहाँ खर्चा हो गया यहाँ खर्चा हो गया। अब जो है टास्क में आता है और टास्क चेक कर रहा होता है कि देखो तो जरा और पैसे कमाने हैं ना भाई। अब हमें दिखाया जाता है इसके टास्क एंटर के अंदर एक टास्क पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई इसे सिस्टम से ना एक भी पैसे यूज़ नहीं करने, मतलब बिना सिस्टम का प्रयोग किए से 10,000 रुपये कमाने होते हैं। अब ये टास्क पढ़ के समझ चुका होता है कि हाँ अब
इसके जो हब जो इसने यूज मतलब जो इसने परचेज किए थे उसकी बारी आ चुकी है, मतलब उसे बेच के ये पैसा कमा सकता है। अचानक हम देखते हैं जो इसका सिस्टम है ना वो भी आ चुका होता है और बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही किया, लेकिन जो सिस्टम से जो तुमने पैसे कमाए ना तुम उसका भी प्रयोग कर सकते हो, ऐसा इससे बोलने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि चलो यार अब सही मौका है ना मुझे पैसा कमाने का, वैसे ये केक के जैसा है मेरे लिए। अब सीन शिफ्ट होता है हमें पार्क के मतलब 3 किलोमीटर दूर हैंग चैंग जो यूनिवर्सिटी है उससे 3 किलोमीटर दूर एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये पार्क होता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। वहाँ कोने में एक जो है एक लड़का बैठा होता है, एक आदमी बैठा होता है। फिलहाल जो ये लड़की है ना सायू और जो इसका जॉन नाम का जो लड़का है वो भी इसके साथ में होता है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि सॉरी सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया ठीक है, लेकिन अब मैं आगे परेशान नहीं करूँगी, वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है। अब वो सोच रहा होता है, वो कहने लगता है कि ठीक है चलो मेरे साथ चलो हम वहाँ पे बैठ के ना आराम से रिलैक्स करते हैं, ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगता है। फिलहाल हमें एक ड्रैगुलर दिखाया जाता है, मतलब मैं इसे ड्रैगुला बोलने वाला हूँ। अब भाई ये बंदा आ रहा होता है और ये दोनों जो है इसके पास से जा रहे होते हैं। अब जो ये लड़की है ना सायू ये इस लड़के को देख के जो ये ड्रैगुला है मतलब मैं इसे बोलूँगा उसे देख के कह रही होती है वाओ ये कितना लंबा है, मतलब वाओ नहीं मतलब कह रही होती है वाओ कितना लंबा है। फिलहाल वो जा रहा होता है और ये इसे जाते जाते भी देखने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो है साइड में जाके बैठ के ना मतलब रोमांस करने लगते हैं, मुझे नहीं पता क्यों क्यों करते हैं ऐसा लोग। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है अब तो मैं इसे ज़रूर अपने बिस्तर पर ले जाऊँगा। अब जो ऐसा जॉन सोच रहा है मुझे नहीं पता भाई इस बंदे ने अभी तक इतना टाइम कैसे लगा दिया। फिलहाल जो है ये कुछ और ही हरकतें कर रहा होता है। अब जो ये लड़की है ना ये पता नहीं किस लिए सैड है, भाई तू पहले बता दे कि इस लड़के से उस लड़के की वजह से सैड है, यहाँ पर आके रो रही है। फिलहाल जो ये बंदा होता है ये अलग ही हरकतें कर रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों। इतने में दिखाया था ये दोनों जो है किस कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद जो ये लड़की है ना अचानक दूर हो जाती है। अब भाई ये जो बंदा है इससे पूछने लगता है अरे क्या हुआ तुम्हें। अब जो ये लड़की बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है ऐसा ये लड़का देख चुका होता है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगती है कि देखो वहाँ से कोई आ रहा है, अब ये ऐसा बोल के उस लड़के को दिखा रही होती है। इतने में दिखाया था जो ड्रैगुला होता है ना वो पेड़ के पीछे छुपा होता है। अब भाई साहब ये बंदा इतना खूंखार कैसे हो सकता है। खैर वो लड़की इसे देख के हैरान हो चुकी होती है क्योंकि इसने कुछ अलग ही देख लिया होता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगुला है ना वो एक लड़की को लेके आ रहा होता है। अब भाई ये लड़की कहाँ से आ गई और इसके मुँह पर ना मतलब खून के निशान पड़ रहे होते हैं। अब जो इस लड़की को ना मतलब अलग ही कपड़े से पकड़ के लेके आ रहा होता है, हाथ से भी नहीं पकड़ा इसने, इसके कपड़े से पकड़ रखा होता है। अब जो है ये ड्रैगुला इस लड़की को देख लेता है, अब जो ये लड़की बिल्कुल डर जाती है। अब इसी के साथ में जो सीन है शिफ्ट हो जाता है, अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैंचेन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो ये क्या कहते हैं सॉम्पिंग जो है लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है, पड़ा मतलब कर रहा होता है। खैर वो फटाफट जो है पोस्ट डाल रहा होता है। अब हमें दिखाया था ये डार्क वेब पे जाके ना पोस्ट डालना होता है कि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास एक ड्रग है उससे मैं इलाज कर सकता हूँ, ऐसा बोल के ये पोस्ट डालता है। अब हमें दिखाया था ये ऐसा पोस्ट डाल देता है। अब जो है सॉम्पिंग सोचने लगता है लेकिन यार मुझे लगता नहीं है लोग बाग जो है इसे परचेस करेंगे, ऐसा ये सोच रहा होता है। अचानक हम देखते सिस्टम इसके पास मतलब ये ऐसा सोच रहा होता है, अचानक हम देखते जो इसका सिस्टम है ना इसके पास आ चुका होता है और बोलने लगता है कि देखो चिंता मत करो तुम मतलब विश्वास रखो ठीक है ये डार्क वेब है, यहाँ पर ना सुपर पावर वाले लोग होते हैं और अमीर भी लोग होते हैं। अब वो कहने लगता है क्या सुपर पावर। अब वो बोलने लगती है कि हाँ तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा वीक हो इस समय, जैसे तुम सिस्टम अपग्रेड करोगे वैसे मैं तुम्हें बता दूंगी। अब ये बोलने लगता है क्या मतलब मेरे को सिस्टम अपग्रेड भी करना पड़ेगा। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब जो सिस्टम है वो बोलने लगती है कि हाँ देखो तुम जो टास्क कंप्लीट करते रहोगे उस हिसाब से तुम्हारे जो सिस्टम है वो अपग्रेड होता रहेगा, इस टाइप का वो उसे बताती है। अब ये जो बंदा है ना ये बंदा कह रहा है अभी भी ये सस्पेंस में डाल लिया कि ये चाहती क्या है मुझे नहीं पता। अब ये बंदा ऐसा कंफ्यूज होता है, अचानक हम देखते हैं उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है। अब वो फटाफट नोटिफिकेशन जाके चेक कर रहा होता है, कह रहा था अरे मैंने अभी तो डाली थी और अचानक इतनी जल्दी नोटिफिकेशन भी आ गई। वहाँ से एक मैसेज आता है कि तुम कहाँ पे मिलोगे हैंग चैंग में तुम कहाँ पर हो, वो बोलने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वो सोच रहा होता है कि वाह यार इतनी जल्दी बाहर आ गया, इस टाइप में वो खुश हो रहा होता है क्योंकि इसका जो टास्क है वो कंप्लीट होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि हो सकता है जो बायर है वो हो सकता है दादी हो, मतलब उसका नाम मैदान ऑफ द हेवनली माउंटेन है, इस टाइप का वो सोचने लगता है कि दादी माँ हो सकती है, ऐसा वो सोचता है। कह रहा कहने लगता है कि मेरे को क्या मेरे को तो पैसों से मतलब है, जो भी हो मुझे क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे बस पैसे से मतलब है। अब वो ऐसा बोल के जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है हैंचैंग जो नंबर वन हॉस्पिटल है उसके पास में आ चुका होता है और बोलने लगता है कि हाँ ये प्लेस है यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था। अचानक हम देखते हैं एक लड़की बोल लेती है क्या तुम आर यू ऑर्डिनरी इज नॉट अ क्राइम, ये कोड वर्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं मैं बता दूँ तुम्हें। अब ये जो लड़का है ना ये देख के हैरान हो चुका होता है और कहने लगता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लड़की। अब थोड़ी देर तक ये ऊपर से लेके नीचे तक निहार रहा होता है, खैर निहारना भी चाहिए भाई लड़कों का परम धर्म होता है निहारने का। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था वो कह रहा था वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है, ऐसा खुश हो रहा होता है।
हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और हाथ मतलब सर पे मारने लगता है और बोलने लगता है कि अच्छा, तो तुम मैदान ऑफ द हेवनली माउंटेन हो, ऐसा उससे बोलने लगता है। वो लड़की कहने लगती है कि हाँ मैं ही हूँ, तो तुम वो मेरा यूज़र नेम है, तो बताओ ड्रग्स कहाँ है। अब वो ऐसा पूछने लगती है, वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है लेकिन पेशेंट कहाँ है बताओ मेरे को, मैं साथ में लेके आया हूँ वैसे। अब वो ऐसा बोल रहा होता है, हमें दिखाया जाता है जो लड़की है वो बोलने लगती है कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ। अब वो बोलने लगती है कि फॉलो मी, ठीक है। अब वो उसका लड़का जो है फॉलो करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की है इस लड़के को एक रूम में लेके आ चुकी होती है। वहाँ पे जो दो बॉडीगार्ड है वो भी इसे ग्रीट कर रहे होते हैं, कह रहते हैं कि आइए यंग लेडी, अब वो उस टाइप का ग्रीट कर रहे होते हैं। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है ये देखो ये मेरे फादर है और इन्हें ना अगर तुम्हारा जो ड्रग है वो अगर इनके ऊपर इफेक्ट करता है तो जो हमारे मतलब जो हुआ है सौदा हुआ है 3 मिलियन का वो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर तुम देख सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है जो इसके बॉडीगार्ड है वो इसे घूर रहे होते हैं। फिलहाल भाई इन तीनों बॉडीगार्ड को देख के ना इसकी सट्टी पट्टी कुल हो चुकी होती है, क्योंकि ये बंदा भी ढीला ढाला सा है मेरी तरह। फिलहाल वो कहने लगता है कि हाँ हाँ जरूर जरूर मेरा जो ये ड्रग है वो इफेक्टिव होगा। अब वो सोचने लगता है कि यार इस सिस्टम ने ना मेरे को फंसा दिया, अगर इसका जो ये जो हब है अगर ये वर्क नहीं करा ना तो मैं तो गया। अचानक हम देखते हैं सिस्टम कह रहा था ऑफकोर्स करेगा करेगा, तुम हब तो दो। अब हमें दिखाया जाता है वो जो है हब खिला रहा होता है। अब जो एक बॉडीगार्ड है ना वो अपनी यंग लेडी से पूछ रहा होता है क्या इसे ऐसा करना ठीक रहेगा। अब वो उसे कुछ नहीं कहती और कहने लगती है कि हाँ जो डार्क वेब पे जो पीपल मिलते हैं ना वो मतलब ऑर्डनरी पीपल नहीं होते हैं, नॉर्मल पीपल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डनरी पीपल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल होते हैं। और वैसे भी सोमपिंग का जो अकाउंट है ना वो लीलू ने दिया है। अब भाई मेरे को नहीं पता आखिर लीलू को कैसे जानती है। खैर ये सब सीन हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल जो ये सोमपिंग है उसे अब खिला चुका होता है इसके पापा को। अब हमें दिखाया जाता है इसके जो पापा है ना वो कुछ अलग ही हरकतें कर रहे होते हैं, मतलब इनके अंदर भी वैसी ऊर्जा आ रही होती है। और इसी के साथ जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। खैर मेरे को तो ज़्यादा अच्छी लगी, तो तुम लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना।